हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं तो जबरदस्त बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का बैटल होने वाला है अपना सभी के सभी मेटल फ्यूजन बेबलेट वर्सेस अपना लाइटनिंग एल्ड्रेगो। वाह भाई, तो देखते हैं कि हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो क्या कर पाता है, क्या ये सभी को हरा पाता है, नहीं हरा पाता है, कितना जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है। और जी हाँ दोस्तों, हम लोग के यहाँ टोटल सभी के सभी हम लोग का मेटल फ्यूजन बेबलेट्स कलेक्शन हो चुका है। मैंने पहले भी बोला है, टोटल हम लोग को 20 बेबलेट्स देखने को मिलता है, जिसमें से हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो बैटल करेगा इन सभी 19 बेबलेट्स से। तो देखते हैं मतलब लाइटनिंग एल्ड्रेगो कितना कितना को नॉक कर पाता है। मुझे तो यकीन है कि मतलब अच्छा खासा बेबलेट्स को नॉक कर सकता है। तो चलिए हम लोग बैटल शुरू करते हैं विदाउट कुछ देरी किए और देखते हैं कितना जीत लेता है कि नहीं जीत पाता है और कितना से हारता है, वो भी पता चल जाएगा। तो मैंने सभी 19 बेबलेट्स को मैंने ले लिया, तो उस सभी को मैं बाहर निकालता हूँ और देखते हैं कौन कौन से हारता है और कौन कौन से जीतता है। मुझे भी नहीं मालूम क्या होने वाला है। तो चले हम लोग शुरू करते हैं राउंड वन। तो सबसे पहले अपना लेंगे, वाह कौन आया हम लोग का पकड़ में, हम लोग का पकड़ में आ गया हम लोग का अर्थ वेरगो। तो देखते हैं हम लोग का क्या होता है बैटल। तो चले शुरू करते हैं राउंड वन। ज़्यादा बैटल नहीं करूँगा, एक दो बैटल ही करूँगा, मैक्स टू मैक्स दो बैटल ही करूँगा क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। अर्थ को मैंने लॉन्च किया, अर्थ वर्गो। वाओ, ये तो सही था, पहला बैटल दोनों नॉकआउट के साथ और शानदार नॉकआउट भाई, मज़ा आ गया। और मुझे नहीं लगा था कि मतलब कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो चलिए और एक बैटल करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो ये सेकंड राउंड में क्या होता है भाई साहब? ये तो सेंटर चला गया। Come on. वाह बढ़िया भाई, इतना ज्यादा टिल्ट। ओ नो, ऊपर से इसका स्पिन ट्रैक हम लोग। ओ नो, ओ भाई ये तो नॉक कर दिया। गजब ब्रो, गजब दिखा दिया भाई, मस्त है भाई लाइटनिंग एल्ड्रेगो। और ग्रेविटी बॉल के चलते इसका जो टिप है ना, बहुत निकला हुआ है नीचे और यहाँ पे जो फ्लोर में लग गया हम लोग का स्टेडियम में, और इसी से इसका स्पीड बहुत ज़बरदस्त कम हो गया। तो यहाँ पे पहला जीत हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो का, बहुत ही शानदार जीत। तो यहाँ पे मैं इधर रखता हूँ ये अपना अर्थ वेरगो को। चलिए तो नेक्स्ट बेबलेट लाते हैं। तो नेक्स्ट बेबलेट अपना आ गया भाई लिवरा, फ्लेम लिवरा। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और ये तो हम लोग का लेफ्ट स्पिन है एल्ड्रेगो, तो इसलिए दो दो लॉन्चर के साथ करना पड़ रहा है। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। तो मैंने लॉन्च कर दिया, देखते हैं क्या होता है। स्टमना बेबलेट वर्सेस अटैक भाई, सेंटर पकड़ लिया। वो 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 ठीक था। काफी टिल्ट कर दिया लेकिन फायदा मिलेगा क्या? और यहाँ पे आराम से जीतते हुए अपना लाइटिंग एल्ड्रेगो। बहुत हद तक हमको लगा था कि लिवरा जीत जाएगा क्योंकि ये स्टेमिना टाइप बेबलेट है इसलिए, लेकिन ये टिल्ट करते हुए भी हमको लग रहा था कभी ना हार भी सकता है। और इसी के साथ हम लोग का लिवरा हार जाता है और लाइटनिंग एल्ड्रेगो थोड़ा सा एक कटी लेके जीत ले लेता है। मतलब शानदार स्टार्टिंग हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो का। तो चलिए नेक्स्ट बेबलेट अपना ओरसो को लाते हैं, रॉक ओरसो, और देखते हैं क्या होता है। डिफेंस टाइप वाला बेबलेट है हम लोग का ओरसो। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओ भाई ये कैसे लॉन्च हो गया, चलिए और एक बार करते हैं। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। वाह 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 बढ़िया टक्कर, नॉक कर सकता है हमको लगता है। ओ गजब भाई, कोई सरप्राइजिंग नहीं है हमको ज़्यादा। और यहाँ पे हम लोग का अच्छा खासा नॉक कर दिया हम लोग का ओरसो भाई, डिफेंस का पावर ही नहीं देखने दिया। इतना भयानक भयानक अपना लाइटनिंग एल्ड्रेगो को टक्कर दे दिया कि नॉकआउट कर दिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि गजब का
नॉकआउट करते हुए अपना बेबलेट सबको। तो चले नेक्स्ट बेबलेट हम लोग लाते हैं अपना सेजिटेरियो को, फ्लेम सेजिटेरियो, और देखते हैं क्या होता है। ये भी हम लोग का स्टेमिना टाइप बेबलेट है, तो मुझे उम्मीद है कि मतलब भाई स्टेमिना से जीत सकता है, लेकिन भाई ये अटैक भी है ना, पहले ही नॉक कर देता है भाई ये। चलो भाई शुरू हो गया बेटा, ये क्या था। चलो भाई फिर से करते हैं, 3-2-1 हो जाए शुरू। शानदार स्टार्टिंग, स्टेमिना है तो हम लोग का सेंटर में रहेगा नो डाउट। वो नॉक कर सकता था, ओ भाई इसका क्लॉ भी हमको लगता है स्टेडियम में टच करेगा, और हम लोग का हार जाता है हम लोग का सेजिटेरियो भी, क्योंकि इसके यहाँ क्लॉ 145 ये वाला टिप जो नीचे सट रहा था, कहीं ना कहीं इसके मतलब स्पीड कम हो रहा था इससे, तो यहाँ पे आराम से जीत गया था, हम लोग का रिकॉर्डिंग रुक गया था। चलिए तो हम लोग बैटल करेंगे अभी हम लोग का अर्थ ईगल से, और ये डिफेंस टाइप वाला अर्थ ईगल है, मतलब अर्थ ईगल तो डिफेंस ही रहेगा, तो देखते हैं भाई क्या होता है हम लोग का बैटल में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड, 3-2-1 हो जाए शुरू। ये रहा अर्थ ईगल वर्सेस हम लोग का लाइटिंग एल्ड्रेगो। ओ तो यहाँ पे हम लोग का नॉकआउट कर दिया आराम से, इजी नॉकआउट, और यहाँ पे अर्थ ईगल निकलते हुए मैं ज़्यादा राउंड्स नहीं रखता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग का आराम से हम लोग का जीत गया अपना लाइटनिंग एल्ड्रेगो, यानी कि हम लोग का 5 बेबलेट्स को हरा चुका है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लाते हैं अपना कोई, आजा भाई एरिस को, रॉक एरिस, और यहाँ पर इटर्नल डिफेंस ये है, लेकिन पता नहीं ये भी काम आएगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट राउंड, 3-2-1 हो जाए शुरू। तो देखते हैं क्या होता है, ये भी डिफेंस टाइप वाला बेबलेट है भाई, सेंटर पकड़ के बैठेगा और हम लोग का अटैक बेबलेट गोल गोल घूम करके आएगा। और ये हम लोग का छठा बैटल है, वाह हमको लगता है ये वाला मुश्किल हो जाएगा। कम ऑन लाइटनिंग एल्ड्रेगो, और हम लोग का पहला हार हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो का, और यहाँ पर पहला जीत हम लोग का एरिस का, और ये बहुत दुखी की बात है, मतलब लाइटनिंग एल्ड्रेगो पहला हार हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट बेबलेट लाते हैं जो कि है अपना डार्क बुल, बुल है, और ये बहुत ही मतलब मस्त मस्त बैटल होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का नेक्स्ट राउंड, लाइटनिंग एल्ड्रेगो वर्सेस हम लोग का डार्क बुल बेनकी का बेबलेट। 3-2-1 हो जाए शुरू, बैलेंस टाइप बेबलेट है, तो देखते हैं क्या होता है। और नीचे हॉर्न 145 स्पिन ट्रैक है, हमको लगता है ये भी स्टेडियम में टकराएगा, और कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो को। भाई टक्कर तो हो जा, सेवन बैटल चल रहा है, राउंड 7, 7वां बेबलेट के साथ मुकाबला, टोटल 19 है, वाह काफी नजदीक। और ये क्या ड्रॉ था क्या, ये ड्रॉ हो गया। तो चलिए और एक बार करते हैं, क्योंकि किसी को हार जीत घोषित करना ही है। तो चलिए इस बार क्या होता है, 3-2-1 हो जाए शुरू। एक दो टक्कर पहले हो जाए ना तो मतलब हार सकता है बुल, लेकिन हम लोग का भाई ये बैलेंस टाइप है तो सेंटर में ही रहेगा, स्टेडियम के सेंटर में।
वाह टक्कर तो हुआ स्टार्टिंग, वाह 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 गजब ब्रो गजब गजब गजब। तो यहाँ पे हम लोग का लाइटनिंग एलड्रेगो आराम से जीत ले लेता है। होन 45 ही इस पर भारी पड़ गया, इधर से टकराया ये वाला स्टेडियम का ये साइड पार्ट में, मतलब ये वाला बोले तो यहाँ पे हम लोग का हार जाता है हम लोग का बुल, और कोई डाउट नहीं लाइटनिंग एलड्रेगो जीतते हुए। तो चलिए नेक्स्ट बेबलेट हम लोग लाते हैं अपना स्कॉर्पियो को, रॉक स्कॉर्पियो मतलब डिफेंस टाइप वाला बेबलेट। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। 3-2-1 हो जाए शुरू। तो शुरू हो गया बैटल, वाह ओ नो, और ये यहाँ पे नॉकआउट होते हुए, तबाही टक्कर था ये वाला, और हमको लगा कि दोनों नॉकआउट होके जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ, अपना हम लोग का स्कॉर्पियो ही नॉकआउट हो गया। तो चलिए आराम से ये जीत लेते हुए, और हम लोग का कितना राउंड हो गया है बाय द वे मैं भूल गया, देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ राउंड हो गया है, आठ में से खाली एक बार हम लोग का लाइटनिंग एलड्रेगो आ रहा है। और तो चलिए नेक्स्ट बेबलेट लाते हैं अपना डार्क वुल्फ को, और देखते हैं क्या होता है। ये भी हम लोग का बैलेंस टाइप वाला बेबलेट है बाय द वे। तो चलिए शुरू करते हैं, 3-2-1 हो जाए शुरू। वाह टक्कर होने वाला है हमको लगता है, इसमें भी नॉकआउट हो सकता है, अभी टक्कर होता तो नॉकआउट होता, लेकिन अभी बहुत लंबा बैटल चलेगा तो सेंटर में रहता है। तो वाह टक्कर तो हुआ है, शानदार काफी नहीं देख, और यहाँ पे हमको लगता है लाइटनिंग एलड्रेगो जीता, वो भी थोड़ा सा से, और यहाँ पे हम लोग का उल्फ हम लोग का हारते हुए डार्क उल्फ। तो ये रहा हम लोग का नौवां बैटल था ये, तो ये भी हार गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट बेबलेट को लाते हैं, जो कि है हम लोग का थर्मल पाइसिस, और ये 10वां बैटल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 10 में कुछ होता है कि नहीं, और हम लोग का एक बार खाली लाइटनिंग एलड्रेगो हारा है। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओ भाई ये मैंने कैसे लॉन्च किया, चलिए और एक बार करते हैं। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओ नो मेरा रिकॉर्डिंग रुक गया, वापस मैंने चालू किया भाई स्टोरेज फुल हो गया था। ओ भाई यहाँ पे लाइटनिंग एलड्रेगो को हार सकता है, कहीं ना कहीं हम लोग का स्टेमिना, ओ मुझे लगा हार जाएगा फिर अपना, रुकने वाला था। तो यहाँ पे हम लोग का दूसरी हार हम लोग का, बीच में रिकॉर्डिंग भी रुक गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहीं पर यही रिकॉर्डिंग रखता हूँ। और यहाँ पे हम लोग का थर्मल पाइसिस भी जीत गया भाई, टक्कर देता तो हम लोग का नॉकआउट कर सकता था, लेकिन हम लोग का अटैक पावर ख़त्म हो जाता है जब तक सेंटर में आते आते। तो चलिए तो नेक्स्ट बेबलेट मैं लाता हूँ अपना इवल जेमियोस, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए बैटल शुरू करते हैं, और ये इवल जेमियोस मस्त मस्त बेबलेट है, और बाय द वे ये बैलेंस टाइप वाला बेबलेट है। 3-2-1 हो जाए शुरू, देखते हैं क्या होता है भाई, टक्कर हो जाए ना मजा आ जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा। वाह ओ नो, और इसी के साथ हम लोग का इवल भी नॉकआउट हो जाता है जेमियोस, जो कि बहुत शानदार कलर के साथ आता है, लेकिन भाई नॉकआउट हो गया, यानी कि हम लोग का 11 राउंड में भी ये हार जाता है। खाली अभी तक 2 बेबलेट जीते हैं, देखते हैं क्या होता है और आगे। तो नेक्स्ट बेबलेट मैं लाता हूँ अपना बर्न फिनिक्स, जो कि जिंगा का पापा का बेबलेट है। आई होप कुछ दिखा दे दम अपना जिंगा का पापा, और ये मेटल स्पाइक टिप के साथ आता है, तो ज़बरदस्त ये स्टेमिना वाला बेबलेट है अपना बर्न फिनिक्स। भाई ये क्या हो रहा है लाइटिंग एलड्रेगो को, वाह शानदार नॉकआउट, एकदम प्लान कर रहा था, मतलब हल्का हल्का करके बाद में टक्कर देके नॉकआउट कर दिया, जिधर मैं बेबलेट रखता हूँ उधर ये चला गया। तो यहाँ पे हम लोग का अच्छा खासा लाइटनिंग एलड्रेगो, तो भाई हम बोले ना दमदार है हम लोग का,
ये दो वेवलेट, स्टॉर्म पेगासस और लाइटनिंग एल्ड्रेगो। तो चलिए अपना नेक्स्ट वेवलेट लाते हैं जो कि है पॉइजन सर्पेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कर पाता है। ज़्यादा देर नहीं करूँगा भाई, लंबा वीडियो हो गया हमको लगता है और पसंद नहीं आता है लंबा वीडियो, आप लोग देखते नहीं हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी के सभी कर दीजिए। और तो देखते हैं क्या होता है ये हम लोग का पॉइजन सर्पेंट। वाह मस्त बेबलेट। और बैलेंस टाइप वाला बेबलेट ये, वाह इसको भी नॉक कर सकता है हमको लगता है, लेकिन काफ़ी पावर ख़त्म हो गया। और ये क्या ड्रॉ था क्या? मुझे लगता है ड्रॉ था, तो दोबारा एक बार बैटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। भाई बार बार छूट कह रहा है हमसे। भाई छूट गया था, लेकिन कोई नहीं, कम बैक करेगा। वाह काफ़ी स्पीड लॉस हुआ होगा ये टक्कर में हम लोग का पॉइजन सर्पेंट का, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा तो अपना लाइटनिंग एल्ड्रेगो को। काफ़ी नज़दीक, इसका स्पिन ट्रैक भी बड़ा है, स्विच 145। आई होप मैं सही हूँ। तो ओ भाई ये क्या था, यहाँ ड्रॉ था क्या फिर से? भाई चलिए तो और एक बार करते हैं और ये लास्ट राउंड होगा, नहीं तो ड्रॉ ही घोषित कर दूंगा। 3-2-1 हुए शुरू। बहुत जोर से घुमाए हैं इस बार। ये क्या था, मैं ज़्यादा ही टिल्ट कर दिया। ओ भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है। चलिए दोस्त और एक बार करते हैं। भाई मुझे उम्मीद नहीं था मतलब पॉइजन सर्पेंट से कुछ देखने को मिलेगा हमको कुछ ऐसे। 3-2-1 हुए शुरू। अलग अलग लॉन्च करते हैं, बढ़िया से लॉन्च करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। भाई लास्ट राउंड, भाई मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मतलब इतना खतरनाक बेबलेट पॉइजन सर्पेंट। भाई अंदर रेडेड बेबलेट हो जाएगा ये तो। चले भाई ये तो भाई हम लोग का बैलेंस और अटैक वाला बेबलेट मतलब सेंटर पे रह जाता है। चलिए 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 शुरू हुआ है। वाह 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 बोला नॉक कर सकता है, लेकिन नहीं हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो का भी स्पीड कम हुआ। ओ नो, तो यहाँ पर तीसरा बेबलेट के नाम में आ जाता है हम लोग का हराने में, जो लाइटनिंग एल्ड्रेगो को हरा दिया वो है हम लोग का पॉइजन सर्पेंट। तो बहुत शानदार हम लोग का। तो यहाँ पे लाइटनिंग एल्ड्रेगो तीसरा बार हारते हुए, तो नेक्स्ट बेबलेट लाते हैं अपना कैंसर, मतलब डार्क कैंसर या फिर बोले आप लोग डार्क गेशर। तो चले क्रैबी क्रैबी वाला है, वो टट्सिया वाला, क्या नाम है मुझे क्या नाम था उसका, बाय द वे मस्त कैरेक्टर था दोस्त, कॉमेडी वाला। 3-2-1 हो जाए शुरू। कॉमेडी में मेरा फेवरेट था। ओ भाई 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 भाई, भाई मेरा लॉन्चर का ये गिर गया। भाई मैं छू, वाह ओ भाई मैं निकलते रह गया, मतलब निकालते रह गए ये चीज अपना, और यहाँ पे अपना कैंसर निकल गया यहाँ पे। ओ एम जी, तो यहाँ पर डार्क गेशर भी हम लोग का निकल गया बाहर और यहाँ पर लाइटिंग एल्ड्रेगो अपना जीत के। और तो चलिए अपना नेक्स्ट लाते हैं भाई भाई भाई, स्टॉर्म कैप्रिकॉन जंपिंग वाला बेबलेट जो कि खतरनाक जंप करता है। और भाई ये भी मस्त मस्त कैरेक्टर का बेबलेट है, मतलब मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो इसमें तो मैं लाइटनिंग एल्ड्रेगो को पहले लॉन्च करूँगा। अटैक टाइप वाला बेबलेट है भाई, जंप करता है ज़बरदस्त, अपने से स्टेडियम से ही निकल जाएगा, ऐसा खूबिया है उस पर। वाह ओ भाई भाई ओ भाई भाई भाई, हम लोग का थोड़ा ब्लर था, फोकस कम था, लेकिन जो देखने को मिला बहुत ही मैं इस बेबलेट का यही तो मैं मतलब खासियत है, मतलब जंप करता है, लेकिन बेबलेट के ऊपर जंप कर दिया ना ये नॉकआउट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का लाइटनिंग एल्ड्रेगो तो ये वाला बैटल में हार जाता है अपना स्टॉर्म कैप्रिकॉन के ओर से। तो चले तो हम लोग का कैप्रिकॉन हम लोग का जीत गया। दोबारा मैं नहीं करूँगा बैटल, क्योंकि दोबारा मैं हार ही जाएगा ये
मतलब जरूरी नहीं है, मतलब ऐसे एक ही बैटल कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट बेबलेट लाते हैं अपना, क्या बोलते हैं, एक्वेरियो, अपना स्टॉर्म एक्वेरियो, जो कि हम लोग का होल फ्लैट के साथ भी आता है और इसका मोड बदलता है होल फ्लैट और स्पाइक में। इसको मैं होल फ्लैट में रखता हूँ ताकि हम लोग का अटैक टाइप बेबलेट काम करे और ज़बरदस्त टक्कर हो। तो यहाँ पे दो दो होल फ्लैट देखने को मिलेगा, लाइटनिंग एल्ड्रिगो में भी होल फ्लैट और अपना एक्वेरियो में भी होल फ्लैट। लेफ्ट राइट दोनों स्पिन है, मतलब लेफ्ट मतलब राइट स्पिन है, लेफ्ट स्पिन है, टक्कर जबरदस्त होने वाला है। 3-2-1 हो जसू। वाह, मुझे पता था ये तो जबरदस्त होने वाला था। और एल्ड्रिगो के फैन मतलब शौक खा गए होंगे, मैं भी खा गया। और यहाँ पे हम लोग का भाई एल्ड्रिगो निकलते हुए और यहाँ पे हम लोग का स्टॉर्म एक्वेरियो जीतते हुए होल फ्लैट के साथ और जबरदस्त। तो हम लोग का कतार लग रहा है भाई, अभी तो 1 2 3 4 5 पांच बेबलेट्स हम लोग का जीत चुका है ऑलमोस्ट। और चले तो 3 बेबलेट्स बचे हुए हैं, तो चले लाते हैं। तो अभी ये लाते हैं हम लोग का रॉक लियोन को, जो कि मस्त कैरेक्टर का कियोया का बेबलेट है भाई, मस्त कैरेक्टर में से एक है, मेरा फेवरेट में से। 3-2-1 हो जाए शुरू, डिफेंस वर्सेस अटैक। भाई शानदार बैटल चलेगा, कोई डाउट नहीं इस पे। वो तो यहाँ पे लाइटनिंग दोस्तों, हम लोग का लियोन भी यहाँ पे नॉकआउट हो गया और ये हम लोग का रिकॉर्डिंग रुक गया था। हम लोग का जबरदस्त स्टोरेज फुल हो गया था भाई, लंबा वीडियो है, मतलब बड़ा स्टोरेज चाहिए। मैंने कॉपी कर दिया मेमोरी कार्ड पे और यहाँ पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का लियोन हारते हुए कोई डाउट नहीं, मतलब जीत गया भाई अपना भाई लाइटनिंग एल्ड्रिगो। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लग रहा था लियोन भी जीत सकता है इस पे। तो चलिए दोस्त, दो ही बेबलेट्स बचे हुए हैं, अच्छा शानदार बैटल चला। तो दो बेबलेट्स हम लोग का जबरदस्त, हम लोग का अटैक टाइप बेबलेट्स है, दोनों पेगासस ये बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं होल फ्लैट के साथ, जो कि है हम लोग का साइबर पेगासस, जो कि है सोरा का बेबलेट भाई, जिंका का बेबलेट नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग बैटल शुरू करते हैं और देखते हैं भाई, जबरदस्त टक्कर होने वाला दोस्त, जबरदस्त देखने वाले हैं, कोई ना कोई नॉकआउट होने वाला है भाई, टूट ना जाए हम लोग का बेबलेट। तो कहीं ना कहीं हम लोग का गजब से टक्कर होने वाला है, क्योंकि राइट अटैक स्पिन और यहाँ लेफ्ट मतलब अटैक स्पिन भाई, जबरदस्त तबाही। 3-2-1 हो जाए शुरू। भाई अच्छा से लॉन्च नहीं हुआ भाई, ये क्या हो गया, अच्छा से लॉन्च कहीं नहीं हुआ। चलिए भाई ये लगता है तबाही का वक्त आ गया। 3-2-1 हो जाए शुरू। तो ये रहा और ये रहा भाई साहब, ये क्या था, हम लोग का लाइटनिंग नॉक हुआ। तो कोई बात नहीं, और एक बार करते हैं भाई, मौका मिलना चाहिए लाइटनिंग एल्ड्रिगो को। 3-2-1 हो जाए शुरू। भाई टक्कर होगा शानदार, वाओ भाई इजी इजी विन हो रहा है ये। तो यहाँ पे साइबर पेगासस बाहर निकलते हुए, और चलिए तो और एक राउंड करते हैं, क्योंकि दोनों एक एक करके निकल गया है तो बोलेंगे अब फिर ये बैटल। 3-2-1 हो जाए शुरू। भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, भाई उछल गया था लाइटनिंग एल्ड्रिगो। वाह भाई साहब, मतलब अटैक को संभालने के लिए खुद उछल गया और यहाँ पे नॉकआउट कर दिया साइबर पेगासस को। कोई डाउट नहीं भाई, मेटल मेटल फेसबोल्ट होते हुए भी नॉकआउट कर सकता है अपना लाइटनिंग एल्ड्रिगो। तो यहाँ पे अपना साइबर पेगासस को भी हरा दिया अपना, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग एल्ड्रिगो ने। तो चलिए भाई लास्ट भाई मेन करेक्टर, भाई मज़ा आ जाता है भाई, बहुत बार हम लोगों ने बैटल देख चुका है, जितना बार भी बैटल करो भाई रिजल्ट कुछ ना कुछ अनोखा मतलब अलग ही आता है। कभी कभी ये जीतता है भाई, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए तो आज का हम लोग को आज का वीडियो में कौन जीतने वाला है, क्योंकि भाई साहब ये मतलब पूरा मेटल फ्यूजन के साथ लड़ा है लेकिन थका नहीं है अभी भी। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। 3-2-1 हो जाए शुरू। वाह आराम से भाई, आराम से नॉकआउट कर दिया भाई, कोई डाउट नहीं। इधर में अपना बेबलेट घूम रहा है, देखो इधर रुक गया। तो चले भाई और एक बार करते हैं और उसी के साथ हम लोग राउंड खत्म करते हैं। लाइटनिंग एल्ड्रिगो जीत चुका है और देखते हैं क्या होता है भाई। लग जा भाई। 3-2-1 हो जाए शुरू। वाह कितना बार भी मैं बैटल करूँ ना ये दोनों का, मतलब मजा आ जाता है।
मजा, कोई भाई इस बार तो कोई नॉकआउट नहीं हुआ, लेकिन भाई जो भी है मस्त था भाई। थोड़ा इधर घिसक गया हम लोग का स्टेडियम, तो देखते हैं क्या होता है भाई। लंबा बैटल में हम लोग का नहीं लगता है कि स्टॉम्प पेगासस जीत सकता है भाई, रबर फ्लैट है, हम लोग का फ्रिक्शन ज़्यादा ही होता है और लाइटनिंग एल्ट्रिको हल्का सा में जीतता है। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ दोस्त। तो हम लोग देख लेते हैं कितना कितना बेबलेट्स जीत चुके हैं अगेंस्ट लाइटनिंग एल्ट्रिको और कितना हार चुके हैं देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग का ये सब बेबलेट्स से जो धमाका मचाए हैं, और भाई ये सब बेबलेट्स भाई, ये सब बेबलेट्स, ये सब बेबलेट, ये सब बेबलेट भाई, डिफेंस स्टेमिना अटैक भाई, ये भी बैलेंस भाई, सभी के सभी टाइप के बेबलेट्स जीत चुके हैं हम लोग का। तो ये बेबलेट्स देख लो भाई, एक बार मैं लाता हूँ इन सभी के साथ और एक बार बैटल करूँगा, मतलब एक पाँच छः को बेबलेट्स भाई, छः को बेबलेट्स के साथ हम लोग का हार गया है हम लोग का लाइटिंग एल्ड्रेगो। और जो जितने भी बगल में थे हम लोग का ये सब सभी को सभी करीब करीब नॉकआउट कर दिया है और करीब करीब हम लोग का जीत गया है और मैक्स टू मैक्स हम लोग का नॉकआउट किया है लाइटिंग एल्ड्रेगो भाई। देख रहे हैं मतलब आधा मेटल फ्यूजन हरा हुआ है यहाँ पे, जितना भी देख सकते हैं ना, मतलब नॉकआउट हुआ है और हरा हुआ तो ये भाई देख रहे हैं, मतलब देख रहे हैं भाई भाई साहब मजा आ जाता है दोस्त, मजा आ जाता है। लाइटनिंग एल्ड्रिगो बेस्ट बेबलेट मेटल फ्यूजन का नो डाउट के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ दोस्त। आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा। चैनल पे नए थे तो क्या कर रहे हैं दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग पुराना है तो लाइक तो बनता है दोस्त, आप लोगों से तो उम्मीद है भाई। और जो चैनल को नए सब्सक्राइब किए तो भाई आप लोग भी लाइक कर सकते हैं, तो चलिए आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा भाई। किसके बीच बैटल लाऊं, लंबा वीडियो था लेकिन फन वाला वीडियो था भाई। बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था कि लाइटनिंग एल्ड्रिगो के ऊपर कुछ वीडियो बनाओ भाई, आ गया दोस्त। मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा दोस्त, मैं सुनता हूँ सभी की बात। तो आप लोग नीचे कमेंट्स कर सकते हैं किसका किसका मैं कमेंट्स मतलब किसका किसका बीच बैटल करूं, जल्द से जल्द आप लोग कीजिए, मैं करूंगा जल्द से जल्द लाऊंगा भाई। रेगुलर नहीं हो पा रहा है वीडियोस लेकिन भाई कोशिश कर रहा हूं अभी भाई, गर्मी का सीजन है दोस्त भाई, गर्मी लग जाता है और थोड़ा बिजी हूँ, और भाई रेगुलर डालने का कोशिश करूँगा, एंटरटेनमेंट वीडियोस आएंगे। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ दोस्त, अलविदा चाहता हूँ आप सभी से। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।